महाराष्ट्र के परभणी जिले के एक मुस्लिम परिवार ने अपनी 60 एकड़ जमीन को 5 दिनों तक चलने वाले एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम शिव पुराण कथा के आयोजन के लिए देकर इलाके के लोगों का दिल जीत लिया है। जबकि परभणी में सांप्रदायिक हिंसा के इतिहास को देखकर प्रशासन लगातार सतर्क रहता है। जब सैयद परिवार ने सुना कि शिवसेना के सांसद संजय जाधव शिव पुराण कथा आयोजन के लिए एक खुली जमीन की तलाश कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपनी जमीन देने की इच्छा जताई। मुस्लिम परिवार ने न केवल 5 दिनों के लिए मुफ्त में जमीन दी, बल्कि उन्होंने 15 एकड़ में बोई गई अरहर और 4 एकड़ में बोई गई मूंग की खड़ी फसल को भी उखाड़ दिया। सैयद परिवार के एक सदस्य ने बताया कि पिछले महीने ही मुसलमानों के 3 दिन तक चलने वाले तबलीग जमात इज्तेमा के लिए हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने अपने खेत की जमीन दी थी, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। अब जब हमारे हिंदू भाई अपने धार्मिक आयोजन शिवपुराण कथा के लिए जमीन की तलाश कर रहे थे, तो हमने उन्हें मुफ्त में जमीन दे करके अपने कर्तव्य को महसूस किया। निस्वार्थ रूप से लोगों की मदद करके ही सामाजिक ताने बाने की मरम्मत की जा सकती है। इस मुस्लिम परिवार ने कार्यक्रम स्थल पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की भी पेशकश की। जबकि सांसद जाधव ने कहा कि शिवपुराण कथा के लिए एक मुस्लिम परिवार द्वारा खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाने का इशारा दिल को छूने वाला है। हम इसके लिए उनकी सराहना करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।